बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द वेद प्रेप कैम एकेडमी. सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ठीक है. तो कैम एकेडमी आपके लिए न्यू न्यू सेशंस, यानी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि CSIR नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, वो हम इन वन शॉट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. चाहे वो गेट के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो जैम के लिए हो, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्पल रिएक्शन और मिशनोबू रिएक्शन. जितने भी उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, चाहे वो मोस्ट एडवांस क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक, सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. मतलब इन दोनों रिएक्शन से आपका एक भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, साथ में एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा, साथ में क्वेश्चंस, ठीक है. मतलब जो हम बोल सकते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभार तुम्हारे पास में रीजन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो तुम देख के पागल हो जाते हो कि हम इसमें करें क्या, है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ऐसे ही तो होती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी उठा के दे देते हैं और फिर तुम्हें पता नहीं लगता कि हम करें क्या, और फिर हम बोलते हैं कि पेपर है वो टफ आया था. तो ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे पास में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जितने जितने डिफरेंट टाइप के मिशनोबू और एप्पल रिएक्शन में, जितने डिफरेंट टाइप के रीजंस हम, लाइक पर्टिकुलर कोई भी सबसे डिफरेंट टाइप का है, उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मिशनोबू रिएक्शन है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये एप्पल रिएक्शन है, सारी चीज़ें आज के सेशन में आपके एकदम कम्प्लीटली सारे डाउट्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है. क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर में जो इन दोनों रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए बच्चों, आपको देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है. ओके, सेशन को शेयर कर दीजिए. हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, सारी चीज़ें होंगी, डोंट वरी, ठीक है. गुड मॉर्निंग अंजू, गुड मॉर्निंग. सारी चीज़ें होंगी, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी. और जो भी आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर हमें इस टॉपिक का वन शॉट चाहिए या फिर ये पर्टिकुलर रिएक्शन का वन शॉट चाहिए, तो आप कमेंट करा करो, ठीक है, कि हमारे लिए ये वाली चीज़ लेके आओ. जो हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बट आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है, हमें थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो वो आप कमेंट किया करो कि ये वाला टॉपिक लेके आओ. वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ के लिए रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बच्चों, ठीक है. और सेशन को शेयर करते रहिए भी, ठीक है. आई थिंक सब लोग आ चुके हैं. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन. ओके, ठीक है. तो देखो बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट रियलिटी अगर हम देखें तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. रियलिटी अगर आप देखोगे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना, और इससे आसान चीज़ तो है भी नहीं. सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है, उससे आसान चीज़ तो है भी नहीं, ठीक है. तो आज हम मिशनोबू और एप्पल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं. देखो, सबसे पहले हम बात करें GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म. ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लेके चलते हैं. अगर आपको ये तीन टॉपिक नहीं आते, मतलब आप ऑर्गेनिक पे कमांड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, ठीक है. मतलब ये आपके बेसिक हैं, या फिर आप बोलो पिलर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म. तीनों आपके बहुत अच्छे होने चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम रट्टा मार लो उस चीज़ को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानना है. उसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि वही कंसेप्ट अप्लाई करके आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. अब अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम SN1 रिएक्शन पढ़ते हो, SN2 रिएक्शन पढ़ते हो, SNI रिएक्शन पढ़ते हो, SNNGP पढ़ते हो, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हो, ठीक है. SN1 की हम बात करें तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 की अगर हम बात करें तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है. हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. मान लो हमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए, अगर हम इस रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम डिफरेंट रिएजेंट का यूज करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर यील्ड हमें अच्छी चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट रिएक्शन है. अब देखो, हम जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मिशनोबू एंड एप्पल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लिया R1 R2. जब भी हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है भाई. ये स्टीरियो केमिस्ट्री ही यहाँ पे मस्ट, ठीक है. आपने देखा होगा कि अगर डिफरेंट एनेंशियोमर होता है तो उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाती है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत मस्ट है हमारे लिए. ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत मस्ट है हमारे लिए.
तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री, लेट्स सपोज यहाँ पे अबव द प्लेन OH लगा, ठीक है, OH लगा हुआ है यहाँ पे. अगर मुझे फाइनली चाहिए कि R1, R2 और यहाँ पे बिलो द प्लेन कोई भी न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल CL में कन्वर्ट करना है या फिर BR में हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब स्टीरियो इसकी हमें कम्प्लीटली इन्वर्स करनी है और 100% यील्ड चाहिए, ठीक है, 100% यील्ड हमें चाहिए यहाँ पे. तो फिर इस रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन को करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा. अगर तुम्हें ये रिएक्शन करनी है तो तुम लोग क्या कर सकते हो इस रिएक्शन में, फटाफट बताओ. अगर मुझे अल्कोहल से, लेट्स सपोज कि तुम लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, लैब में तुम काम करो, अल्कोहल से मुझे हेलोजन, अल्कोहल के प्लेस पे मुझे वहां पे हेलोजन अटैच करना है, हेलोजन अटैच करना है, प्लस उसकी स्टीरियो भी इन्वर्स होनी चाहिए, साथ में जो यील्ड है वो 100% या फिर हम 99%, मतलब बहुत ज़्यादा यील्ड भी हमें अच्छी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या रिएजन तुम यहाँ पे यूज़ करोगे जिससे हमें यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिले, ठीक है, एक इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिले और रिएक्शन भी अच्छी खासी हो, हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्या करोगे, फटाफट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो भाई, इन्वर्जन होगा, दोनों में, जल्दी बताओ. डीडी उससे क्या होगा भाई, डीडी तुम यूज कर लोगे बट उससे होगा क्या, डीडी तो तुम यूज कर लोगे बट उससे होगा क्या, PPH3, CX4 यूज करेंगे एप्पल में, PPH3 CCL4. देखो सबसे पहली बात हमारे माइंड में ये आएगा कि इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब हम यहाँ पे करवा देंगे SN2 रिएक्शन, है ना, SN2 रिएक्शन. कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो जिससे हमें Cl- मिल रहा हो उसका हम अटैक करा देंगे पीछे से, है ना, तो सिंपली रिएक्शन हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, पहली बात तो ये जो OH है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं. तो सबसे पहले काम यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा भाई, इस OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब अगर हमें इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में बहुत सारे मैथड्स हैं, जो बच्चे ऐप पे पढ़े हैं या फिर जिन्होंने पढ़ा है उसे पता भी होगा, बहुत सारे मैथड्स हैं इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं. बट हम जनरली वो चीज़ यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बहुत इजी हो करना, है ना, और जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े, कन्वीनियंट हो और ज़्यादा हार्मफुल भी ना हो हमारे लिए उस रिएक्शन को हैंडल करना, रिएक्शन की हैंडलिंग भी इजी हो. तो सारे रिएक्शन के एडवांटेजेस एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से आ तो आते हैं बच्चों, कि मान लो हम एक रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए डिफिकल्ट है हैंडल करना या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उसको छोड़ के हम कोई और ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिसर्च. वही तो होती है रिसर्च, कि जो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें मिले उस चीज़ से, रिएक्शन को हैंडल करना हमारे लिए ईजी हो या फिर उस रिएक्शन पे जो हम कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बहुत कम हो, टाइम जो हम दे रहे हैं वो भी लेस हो, लेस टाइम में बहुत बढ़िया क्वालिटी अगर हमें मिल रही है. तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और फिर वहाँ से हमारे पास में न्यू न्यू रिएक्शन आती रहती हैं जो हमारे लिए बेटर होती है, यूज़फुल होती है, जो मेडिकल केमिस्ट्री में यूज़फुल होती है उसको हम एज ए, मतलब हम उसका रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है. तो यहाँ पे यानी कि गुड लिविंग ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना है, तो गुड लिविंग ग्रुप में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से जो हम मिशनोबू रिएक्शन यूज करते हैं ना उसमें भी ये जो PPH3 और डेल्ट, ठीक है, PPH3 और डेल्ट, ये किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवा सके हम, सबसे पहले तो ये, ठीक है, कि सबसे पहले हम क्यों यूज करेंगे, कि OH को हम एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है और इनको यूज करने के भी अपने ही बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है. OH, R1, R2, PPH3 अगर आपको गिवन हो और डेड आपको गिवन हो और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, H न्यूक्लियोफाइल, कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल RC डबल बोन OH, इसको मैंने किससे नाम लिखा है, न्यूक्लियोफाइल से, और इस H को मैंने एज इट इज लिख दिया, मतलब जिसके पास में H प्रेजेंट है,
ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में हमारे पास में एच प्रेजेंट है। ये जनरल सबस्ट्रेट होगा, इसको देख के पहचानोगे तुम लोग कि ये कौन सी रिएक्शन है। दिस इज द मिस्ड नोबू रिएक्शन, मिस्ड नोबू रिएक्शन, ये है मिस्ड नोबू रिएक्शन। रिएजेंट को देख के पहचानोगे, ठीक है। ये रिएजेंट हम जिस रिएक्शन में यूज करते हैं ना, दैट इज द मिस्ड नोबू रिएक्शन। ये ओएच एज ए सबस्ट्रेट तो बहुत सारी रिएक्शन में तुम्हें देखने को मिलेगा, बट जब ये सबस्ट्रेट हम यूज करेंगे, ये है हमारे मिस्ड नोबू रिएक्शन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में रिएक्शन मिक्सचर में पीपीएच 3 और डेड, सबसे पहले डेड क्या होता है, डाइथाइल अजा डाई कार्बोक्सिलेट। स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइथाइल अजा डाई कार्बोक्सिलेट, दिस इज द डेड ओ ई टी। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, दिस इज डेड डाइथाइल अजा डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, पीपीएच 3, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में पीपीएच 3 है, डेड प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ये पीपीएच 3 है, पीपीएच 3 के पास में नॉन पेयर है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये। अब ये क्या ढूंढेगा कि कहीं हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है, दैट विल एक्ट एज ए माइकल एक्सेप्टर, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, ये माइकल एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो फॉस्फोरस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या फॉर्म हुआ है हमारे पास में, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। ध्यान से देख लेना इस रिएक्शन को, पीपीएच 3 प्लस, ठीक है, पीपीएच 3 प्लस, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी। अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी ओ माइनस ओ ई टी। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये क्या चाहता है, अब ये किसी तरीके से अपने इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, सिंपल सी बात है, किसी तरीके से अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करना चाहता है, न्यूट्रलाइज करना चाहता है। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सोचता है कि क्या मेरे पास में कोई पर्टिकुलर सोर्स H प्लस का है, या फिर किसी को क्या मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ चुका है और चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अनचार्ज के। तो किसी तरीके से एनी हाउ ये चाहता है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में नेगेटिव चार्ज है, कि कहीं मुझे आसपास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मिल जाए, या फिर ऐसी कोई स्पीसीज मिल जाए जिससे हम मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब ये ढूंढेगा आसपास, तो इसे क्या मिलता है कि हाँ भाई एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, R अबव द प्लेन O माइनस प्लस C डबल बॉन्ड ओ ई टी, इधर N PPH 3 पॉजिटिव, ठीक है, NH। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ना NH बॉन्ड की, हाई एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगी मतलब रिएक्शन हमारी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, दैट मीन स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो इधर यानी कि यहाँ पे बना, अब रिएक्शन मिक्सचर में ओ माइनस है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यहाँ पे गिवन है, आर ओ माइनस है, मतलब मिक्सचर में अब हमारे पास में ये स्पीसीज पड़ी हुई है। तो अब ये ओ माइनस क्या करेगा, अब इसे दिखेगा यहाँ पे फॉस्फोरस जिसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फॉस्फोरस दिखेगा जिसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होता है हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज होती है वहाँ से, ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज होती है वहाँ से। तो ये ओ माइनस इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास में बना क्या, आर अबव द प्लेन ऑक्सीजन PPH 3 प्लस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पे ट्रांसफर करेगा। कहने का मतलब ये जो सारा तामझाम हमने करा है ना, सारा तामझाम सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए करा, ठीक है, इस ऑक्सीजन को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए करा है। प्लस इधर क्या बना हमारे पास में, सी ओ ई टी, यहाँ पे एन माइनस एन एच
सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। अब ये वापस से एन माइनस क्या चाहता है कि मैं किसी को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूं। अब इसे क्या दिखेगा, अब यहाँ पे दिखेगा इसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसिडिक प्रोटोन है। इमिडिएटली एन माइनस यहाँ से एच प्लस को लेके और इसको एक बेटर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, क्योंकि चार स्पीसीज हमेशा ईजिली मतलब न्यूट्रल से एज कम्पेयर टू चार्ज अपनी ईजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर करती है। तो यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस किसमें निकला भाई, आर पे कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्या मिला हमारे पास में आर बिलो द प्लेन, आर बिलो द प्लेन ऑक्सीजन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। अब यहां से तुम इसमें क्या डाल दोगे, एन ए ओ एच, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो आर बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है, ओ एच आ जाएगा। एक ही ये मेथड था, सिंपल सी बात है, ओ एच को हमने इसमें कन्वर्ट करा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर तुम आर अबव द प्लेन ओ एच यहाँ पे सी एच थ्री इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें बच्चों, आर बिलो द प्लेन सी एल, मतलब अगर हेलोजन लगाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे पी पी एच थ्री सी सी एल फोर यूज कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल रिएक्शन। तो यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे चेंज करो, मिशनोबू रिएक्शन, यहाँ पे ओ एच करो, ओ एच, ठीक है, दिस इज द मिशनोबू रिएक्शन ओ एच, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे होगा। और यानी कि अब देखो सिंपल सी बात है, क्या बना है यहाँ पे, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है एच एन यू, ठीक है, एच एन यू, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल में, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे तुम्हें और कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आयोडोबेंजीन दे सकते हैं, फिनोल तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता है, मतलब कोई भी रीजन दे, मतलब तुम्हारे पास में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये लास्ट में तुम्हारे पास में कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस हो, कुछ भी, यानी कि कुछ भी यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। कैसे आपको मतलब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को तुम्हें यहाँ पे समझना है, दैट्स इट, सिर्फ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को तुम्हें समझना है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, कैसे तुम्हारे दिमाग के साथ में खेलता है, ये मैकेनिज्म तुम सबको पता है, तुम सबको पता है कि ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, इतना तो तुम सबको पता है, इतना तो तुम लोग रट चुके हो। अब मेन चीज यहाँ पे आती है जब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और दिमाग तुम्हारा वहीं पे हिल जाता है। देखो फटाफट, इस टाइप के क्वेश्चन जब तुम्हें देखने को मिल जाते हैं ना, अब दिमाग तुम्हारा यहीं पे हिल जाता है बच्चों। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, दैट इज द पॉइंट। सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है इस क्वेश्चन में, हो रही है नहीं हो रही, हो रही है, समझ में आया सभी को, क्लियर, क्लियर सभी को, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। और ये क्वेश्चन देखो, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा, ए बी में ओ एच वेज पे आएगा और भाई देखो, यहां तक तो सबको पता है कि पीपीएच थ्री, ठीक है, पीपीएच थ्री डेड की प्रेजेंस में ये जो ओएच है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने इसका मैकेनिज्म बताया तुम्हें, बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी अभी मैंने तुम्हें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करा है। और आई थिंक बार बार मुझे मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, है ना, बार बार मुझे मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, सिर्फ पीपीएच थ्री और अगर डेड आपको गिवन है दैट मीन्स इस ओ एच को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे करता है,
और इसका बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने का जो ड्राइविंग फोर्स है, या फिर हम बोले मिशनोबू रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड प्लस PPH3, ठीक है, प्लस PPH3। और यहाँ से जब ये फॉर्म ये बना होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ होगा, C डबल बॉन्ड O, OET N माइनस NH, C डबल बॉन्ड OET, ये फॉर्म हुआ होगा, क्लियर, ये फॉर्म हुआ होगा यहाँ पे। अब 2-hydrophenol दे रखा है बच्चों, 2-hydro और फिनोल दे रखा है, ठीक है, 2-hydro फिनोल दे रखा है। अब ये N माइनस है, यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता sp2 कार्बन पे, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O माइनस और IOT, ठीक है। इधर ये एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो O माइनस यहाँ से अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास में फॉर्म क्या हुआ, इधर बिलो द प्लेन क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना है कि हम कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। जो भी रिएक्शन होती है, अगर हम नेट और गेट के बच्चों की बात करें, तो उसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री मस्ट है, ये बेसिक चीजें नहीं पूछेगा आपसे, स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑप्शन देगा, कोई भी रिएक्शन है किस तरीके से उसका मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे रिएक्शन अप्रोच कर रही है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मस्ट क्या है यहाँ पे, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, आयोडीन इधर है, ठीक है, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH3 और डबल। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ पे अजा आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइड BU3SNH। कहने का मतलब एग्जामिनर ने ना तुमसे मिक्स क्वेश्चन पूछ लिया, मिक्स क्वेश्चन कैसे, एक तो यहाँ पे मिशनोबू रिएक्शन है जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, या फिर इन्वर्जन SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन हुआ है, SN2 रिएक्शन है, दैट इज एक मिशनोबू रिएक्शन है, साथ में फ्री रेडिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब साथ में फ्री रेडिकल केमिस्ट्री भी। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करना आता है, मतलब जिसने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, वो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। अब जिसे नहीं पता, जिसने सिर्फ रट्टा मार रखा है, वो कैसे कर पाएगा भाई। इसलिए जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो, मैं मस्ट बोलूँगी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, बट कंसेप्ट के साथ में पढ़ो, रट्टे कभी मत मारो। रट्टा करके तुम 4 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, 5 क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद क्या, चलो ठीक है एग्जाम भी तुम्हारा निकल गया, उसके बाद क्या, जब तक तुम्हारे पास सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते एक रट्टाफिकेशन से, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अजाइसोब्यूटाइल नाइट्राइल BU3SNH डाल रखा है बच्चों, ठीक है, अजाइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, इसका काम क्या है फटाफट बताओ जल्दी से, किसी को पता है क्या क्या काम करेगा ये अजाइसोब्यूटाइल नाइट्राइल BU3SNH, किसी को पता है क्या इस काम क्या है इसका, क्या होने वाला है इस रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप, क्या होने वाला है इस रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप, हैलोजन इनिशिएटर, रेडिकल जनरेशन, किधर कहां पे, रेडिकल इनिशिएटर का तो काम करेगा, उसके बाद क्या, रेडिकल इनिशिएटर के बाद हैलोजन की जगह रेडिकल इनिशिएट हो जाएगा, हैलोजन्स की जगह पे रेडिकल इनिशिएट हो जाएगा, ओके। देखो भाई, अजा आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CN, ये होता है स्ट्रक्चर किसका, अजाइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, साथ में तुम्हें हीट भी गिवन होगी, ठीक है, साथ में तुम्हें यहाँ पे हीट भी गिवन होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे होगी, यहाँ से N2 गैस निकलेगी,
N2 गैस जैसे ही निकलेगी रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रिएक्शन की एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा जी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी नेगेटिव। उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ से इस ब्रेक इस बॉन्ड्स की क्लीवेज है वो फिजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद में 2 इक्विवेलेंट ऑफ CN रेडिकल, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है ना बच्चों, CH3 CH3 CN रेडिकल, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है। यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो चुका है, ठीक है, रेडिकल जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट तुम्हें क्या गिवन है, Bu3SNH गिवन है। अब ये जो रेडिकल है ये इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को, यानी कि रेडिकल इनिशिएटर है, जो रेडिकल यहाँ से फॉर्म होगा, जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको ये इनिशिएट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे Bu3SNH का फॉर्मेशन हो जाएगा, आई बात समझ में, Bu3SNH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके फाइन। देन यहां से ये रेडिकल H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और Bu3SN रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए ये इनिशिएटर का काम कर रहा है, ये Bu3SN है ना, अब ये रिएक्शन में प्रोसीड करेगा आगे, ठीक है। अब ये आगे रिएक्शन में प्रोसीड करेगा, ये जो रेडिकल है अब ये आगे रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि यहाँ हेलोजन है, Bu3SN रेडिकल गिवन है, क्लियर बच्चों, आयोडीन की जगह पे अच्छा है। अब देखो मैंने यहाँ पे रेडिकल तो जनरेट करा दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा भाई, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में क्या करेगा ये आगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट, तुम लोग ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करो भाई रिएक्शन में, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करो। ठीक है देखो, अब यहां पे Bu3 इस आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब यहां पे रेडिकल का जनरेशन होगा। अब जब ये रेडिकल यहां पे बना है ना, इधर देखो, इधर रेडिकल बनेगा बिलो द प्लेन ऑक्सीजन, ठीक है, इधर रेडिकल बना डबल बोन डबल बोन। अब ये रेडिकल एक्सोसाइक्लिक एडिशन होगी इसकी, ठीक है, एक्सोट्रिक ओपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी बच्चों, ठीक है, यानी कि रिंग क्लोजिंग होगी यहाँ पे 5 मेंबर की। इधर रेडिकल बना है, इधर CH3, और ये जो रेडिकल ये जो रिंग फॉर्म हुई है ये कहाँ पे, बिलो द प्लेन रिंग हुई है, यानी कि जो ये रिंग फॉर्म हो रही है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ऑक्सीजन बिलो द प्लेन लगी हुई है तो जो रिंग बनेगी वो नीचे से ही बनेगी, है ना, और जो सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे है, क्वेश्चन नहीं कराए थे, हाँ तो ये सेशन आपके लिए नहीं है क्या, या फिर आप लोगों को ब्लॉक कर रखा है, मतलब तुम ये सेशन नहीं देख सकते, देख सकते हो ना बच्चों ये सेशन, ठीक है, तो इसीलिए तो है, आई बात समझ में, तो ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है फाइन। तो अब देखो सिंपली जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिलो द साइड हो रहा है, मतलब जो ये एच होगा वो कहां होगा, अबाउट द साइड लगा होगा, और जो ये CH3 है वो भी कहाँ होगा, अबाउट द साइड, और रिंग कहाँ बनी है आपकी, बिलो द साइड। इस तरीके से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखनी है, क्योंकि जब ऑप्शन आपको मिलेगा ना, जब ऑप्शन आपको मिलेगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे ट्रांस भी बनाएगा, अबाउट द प्लेन भी देगा, बिलो द प्लेन भी देगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए,
ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों। ऑक्सीजन, ओके, अगर फाइव मेंबर की रिंग इधर बन चुकी है, इधर रेडिकल, यहां पे एल्कीन है। अब फिर से हमारे पास में Bu3SnH है, ये रेडिकल यहां से H को लेगा, होमोलाइटिकली क्लीवेज Bu3SN रेडिकल, फिर से यहां से रेडिकल टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप लास्ट में प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में प्रोसीड हो जाएगा। दैट इज द रिएक्शन। ये थी भाई रिएक्शन, जिसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी प्लस रेडिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, आई बात समझ, प्लस रेडिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी आपकी। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन या नहीं हुआ, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके, जल्दी जल्दी फटाफट से। क्लियर, समझ में आया सभी को? कोई बात नहीं बहादुर, स्टार्टिंग से अगर आपने अभी ज्वाइन करा तो स्टार्टिंग से एक बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना, उसके बाद अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, बस इतना बता दो तुम कि यहाँ पे, नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, रुको, ये वाला क्वेश्चन, इतना बता दो तुम कि लास्ट में, चलो ठीक है, OH का इन्वर्जन होगा तो OH की जगह पे जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है वो क्या होगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और सेशन को शेयर करते रहो भाई, सेशन को शेयर करते रहो, है बढ़िया क्वेश्चन। जस्ट मैंने दिमाग लगाओ और सिर्फ एक सिंपल सी चीज मैंने तुमसे पूछी, ना तुमसे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी, तुम PPH3 डेड को देख के तो पता लग रहा होगा मिशनोबू रिएक्शन, ये तो बच्चे को भी पता लग जाएगा एक बार समझाने के बाद भी, ठीक है। अब तुमने अगर रटा होगा तो तुम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, अगर तुमने समझा होगा तो तुम इस क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाओगे। PPH3 DT DPPA THF, OPPH3 अटैक करेगा, OME डेड। अरे भाई मैंने सिंपल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, मैं देख रही हूँ कि कौन बच्चे इसका आंसर करेगा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है तुमसे और सिंपल क्वेश्चन ये है कि लास्ट में जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, जैसे हमने मिशनोबू रिएक्शन में अभी तक डिस्कस करा था कि लास्ट में आपको न्यूक्लियोफाइल भी मिलूंगा, अगर मान लो मैं तुम्हें वो सिंपल ना देके अगर तुम्हें इस तरीके से दे दूं तो तुम कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, दैट इज द पॉइंट, वो पॉइंट है भाई, कैसे अप्रोच करोगे, OPPH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा है, N3-, पता नहीं भाई N3- काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अगर A ये बन रहा है उसके बाद में मैं इसमें PPH3 और डाल दूं, देन B क्या बनेगा, PPH3 और डाल दूं देन B क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे PPH3 और डाल देती हूँ देन B क्या बनेगा, मतलब स्टॉक हो गए ना क्वेश्चन पे, नहीं चल रहा दिमाग, यही तो बढ़िया क्वेश्चन है, यही तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बी अमाइन होगा,
ओके देखो इधर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इतना सबको पता है कि PPH3 और डेट, इतना तो सबको पता है कि जो एक PPH3 और DD आपको गिवन है, मतलब कहीं ना कहीं मिशनोबु रिएक्शन है ना, पहचान तो जाओगे तुम, इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है तुम पहचान तो जाओगे इसे, है ना। अब यहाँ पे PPH3 और DD इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, तो इधर N, इधर BOC, ठीक है, यहाँ पे अबव द प्लेन CO2 Mg, ठीक है, दिस इज बिलो द प्लेन O डबल बॉन्ड पॉजिटिव PPH3, ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ होगा, N माइनस NH, C डबल बॉन्ड O, OET, इधर भी C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि लास्ट जो हमने रिएक्शन डिस्कस करी थी, उन रिएक्शंस में तो इस N माइनस ने क्या करा था, जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था उसके पास में H था, तो उसने उस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके बेटर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया था, नो डाउट एक बढ़िया बेटर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया था, है ना, सिंपल सी बात है कि एक बढ़िया बेटर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ये हम यहाँ तक तो सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है, तीन बार मैंने ही तुम्हें मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करवा दिया, इतना तो सबको पता है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये है कि व्हाट विल बी द न्यूक्लियोफाइल हियर, ये एन माइनस कहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो DPPA तुम्हें दे रखा है, DPPA तुम्हें दे रखा है, अब देखो जो किताब है उसमें तो तुम्हें DPPA का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, बट एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ तो तुम्हें DPPA का स्ट्रक्चर दे देगा, बट जनरली मुझे नहीं लगता कि DPPA का स्ट्रक्चर तुम्हें मेंशन होगा, तो हम इसको एक मोस्ट ऑफ द मतलब डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, मे बी आ सकता है, ठीक है, नेट में गेट में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब ये जो N3 माइनस है ना बच्चों, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ओ पी एच N3, ठीक है, तो ये नेगेटिव इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा और यहाँ से N3 माइनस को निकाल देगा, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है दैट इज दिस अजाइड आयन, यानी कि N3 माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब सबको क्लियर हो चुका है N3 माइनस है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स कर रही है मैम, ओहो ठीक है, N3 माइनस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिंपली ये N3 माइनस क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है तो इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, तो वो कहाँ होंगे, अबव द प्लेन, जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, सिग्मा स्टार CO में अटैक होगा तो ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली तुम्हारे पास में बनेगा क्या कि यहाँ पे जो A मैंने तुमसे पूछा था NBOC इधर अबव द प्लेन CO2 Me, तो यहाँ पे क्या है अबव द प्लेन N3 बच्चों, N3 आ चुका है। अब A तो हमारा ये बन चुका है, अब मैंने इसमें क्या डाला है PPH3, तो जब भी हम PPH3 डालते हैं, ठीक है, PPH3 डालते हैं, हाँ शिवानशु बिल्कुल सही था, PPH3 डालते हैं N3 माइनस में, तो N3 को अमाइंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अमाइंस में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिज्म क्या होगा, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, तो मैकेनिज्म तुम्हें अपने आप खुद से लिखना है, कहीं पे भी N3 गिवन हो, PPH3 डाल रखा हो, दैट मीन्स वहां से क्या फॉर्म होगा बच्चों, अमाइन का फॉर्मेशन होगा, दैट मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये आज की क्लास का। अब एक और क्वेश्चन देखो, तुम्हारे लिए ही है, अब ये वाला क्वेश्चन, सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये कन्वर्जन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये कन्वर्जन है भाई, इसके लिए सुटेबल रीजन हम कौन सा यूज करेंगे, ABCD, इसके लिए हम सुटेबल रीजन कौन सा यूज करेंगे, फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, सुटेबल रीजन कितना टाइम चाहिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जल्दी बताओ,
अब तो मैंने तुम्हें ऑप्शन भी दे दिए, अब तो मैंने तुम्हें ऑप्शन भी दे दिए। सी PPH3 PHCOH क्यों भाई, पहले वाले क्यों नहीं हो सकते, ए बी सी क्यों नहीं हो सकते? Why not A, B, C? C, 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 C. मतलब मेजोरिटी अब इसी की तरफ आ रही है, मतलब तुम समझ गए हो कि क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब तुम समझ गए हो कि कैसे क्वेश्चन है वो कैसे अप्रोच करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना फाइनली, सबसे पहले ये देखो कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, है ना, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ये OH है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, सिंपल OH अबव द प्लेन था तो बिलो द प्लेन जा रहा है। मतलब ये तो हमें पता है कि जनरली जब हम मिशनोबू रिएक्शन करते हैं ना, मिशनोबू रिएक्शन हम करते हैं, तब हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तब हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और जब न्यूक्लियोफाइल एज ए पीएचसी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ, ठीक है, यानी कि मिशनोबू रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये चीज देखने को मिलती है, बट एग्जैक्टली हम तब देखेंगे जब ये हम मिशनोबू रिएक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी एच ओ का भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सी एच ओ का भी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दो चीजें हो रही है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे NaBH4, यानी कि सबसे पहले मैं बी ऑप्शन की बात करूंगी, NaBH4 है, NaBH4 यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इतना सबको पता होगा और ये बेसिक पॉइंट है कि NaBH4 बेसिकली क्या करेगा, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद तुम्हें दे रखी है यहाँ पे मिशनोबू रिएक्शन, मिशनोबू रिएक्शन में PPH3 डेड और PHCOH गिवन है, तो यहाँ पे ये करेगा क्या, तो फाइनली जब भी हम इसमें PPH3 डेड डालेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इधर बिलो द प्लेन ओ सी डबल बॉन्ड ओ पी एच दे रखा है, ठीक है, यानी कि एक एस्टर का हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बट नेक्स्ट स्टेप में तुम देखो कि इस एस्टर को कन्वर्ट करने के लिए ना बच्चों, इस एस्टर को कन्वर्ट करने के लिए एज सच हमें कोई रीजन गिवन नहीं है अल्कोहल में, क्योंकि रिडक्शन पहले फर्स्ट स्टेप में डली हुई थी जो सिर्फ एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगी, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, सेकंड में हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बिलो द प्लेन ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री मिलेगा, और ये तो हमसे पूछा ही नहीं हुआ, ठीक है, इस ये तो हमें प्रिपेयर ही नहीं करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएं, सी ऑप्शन में पहले मिशनोबू करवा रखी है उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है, मतलब सी ऑप्शन में पहले मिशनोबू करवा रखी है और उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल, मतलब जब हमने पहले मिशनोबू OH, इधर क्या था CHO, यही था CHO, ठीक है CHO, अब पहले मिशनोबू करवानी है, मतलब PPH3 डेड और यहाँ पे आपको क्या गिवन है PHCOH गिवन, तो पहले तुम्हें मिशनोबू करानी है। तो जैसे ही मिशनोबू कराओगे, सबको पता है कि जहां पे ये अबव द प्लेन OH है तो इस केस में क्या लग जाएगा, इधर बिलो द प्लेन ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच इधर लग जाएगा, मतलब एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे COH की बन। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस कराएगा किसमें, अल्कोहल में, और यहाँ से CHO को भी किसमें रिड्यूस कराएगा, अल्कोहल में। तो फाइनली जो तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2OH, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, बिलो द प्लेन OH। तो क्या हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जो हमें चाहिए क्या हमें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं, दोनों क्वेश्चन या फिर तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हैं, दैट इज क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
ठीक है. हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई. अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने अगर आर अबव द प्लेन ओएच है आर टू, ठीक है, पीपीएच थ्री आपको गिवेन है, डीडी अगर आपको गिवेन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डाल दे कोई भी एच न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी बिना एच के भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है भाई. उसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया जिसमें हमने डीपीपीए डाल रखा था, ठीक है, बिना एच का भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिसमें हमने डीपीपीए डाल रखा था, गॉट इट, जिसमें हमने डीपीपीए डाल रखा था. तो यहाँ से इन्वर्जन हम मिले, इन्वर्जन फॉर्म होगा, इन्वर्जन आर वन बिलो द प्लेन न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा. दिस इज द मिशनोपुर रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. मैं तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर यहाँ पे सी एफ थ्री सी एल है बच्चों, ठीक है, सी एफ थ्री सी एल है और पी पी एच थ्री मैंने डाला था, पी पी एच थ्री के पास में लॉन पेयर है, मतलब पी पी एच थ्री अटैक करेगा. अब ये जो पी पी एच थ्री अटैक कर रहा है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इधर हमारे पास में सिग्मा स्टार सी एल भी है, ठीक है, सिग्मा स्टार सी एफ भी है, बट ये एफ एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है. तो क्या ये पी पी एच थ्री सिग्मा स्टार सी एल में अटैक करेगा या कहाँ अटैक करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, कहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा. सेशन को शेयर करते रहो भाई. सिग्मा स्टार में सी सी एल पर अटैक करेगा, तो सिग्मा स्टार में अटैक करेगा तो लीव क्या करेगा बेसिकली, यहाँ से लीव क्या करेगा बेसिकली, यहाँ से व्हाट विल बी द लिविंग ग्रुप फ्रॉम हियर. देखो बच्चों, आई थिंक तुमने ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, सी एफ थ्री सी एल. तो इस सी एफ थ्री की ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सी एफ थ्री के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. मतलब इस सी एफ थ्री कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब तीन तीन फ्लोरीन जुड़ने से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी पे होंगे, सी एल के एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी पे होंगे. हायर एनर्जी पे होंगे तो ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है वो किसकी तरफ लाई करेगा, क्लोरीन की तरफ लाई करेगा. तो मतलब मैं यहाँ से सिंपली ये बोल सकती हूँ कि सिग्मा स्टार है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा लाई करेगा और सी एफ थ्री की तरफ है वो कम लाई करेगा, बिकॉज दिस इज ये इसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. सी एल में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सी एल के कैरेक्टर ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कार्बन इस केस में, क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन लगने की वजह से यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, डेल्टा एन नेगेटिव. ओके, डेल्टा नेगेटिव. देन उसके बाद में अब जब यहाँ पे पीपीएच थ्री अटैक करने आएगा, पीपीएच थ्री अटैक करने आएगा तो ये तो सिग्मा स्टार में अटैक करता है, बाकी इसके पास में कोई खाली ऑर्बिटल है नहीं, सिग्मा स्टार ही है जहाँ पे ये अटैक करेगा. तो अटैक अब की बार यहाँ होगा और यहाँ से ये बॉन्ड लीव कर जाएंगे, मतलब सी एफ थ्री नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे पी पी एच थ्री सी एल पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारे पास में क्या डाल रखा है, लेट्स सपोज एल्कोहल, एल्कोहल है और ये रिएक्शन मैं करा रही हूँ सी एफ थ्री सी एल पी पी एच थ्री के साथ. तो सबसे पहले फॉर्म क्या हुआ है यहाँ पे, इन दोनों की रिएक्शन से सी एफ थ्री नेगेटिव प्लस पी पी एच थ्री प्लस और यहाँ पे सी एल. तो ये सी एफ थ्री नेगेटिव इस मोर एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सी एच एफ थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा. इधर हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव सी एल पी पी एच थ्री और आर ओ माइनस है. अब हमें पता है कि ऑक्सीजन फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है. तो इमिडिएटली ये जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से लीव करेगा, मतलब ये है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, ओ पॉजिटिव डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री. और सॉल्यूशन में सी एल माइनस है वो फ्रीली घूम रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में सी एल माइनस है वो फ्रीली घूम रहा है. अब सी एल माइनस ये ढूंढेगा क्या कहीं पे मुझे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल रहे हैं या फिर कहीं पे मैं रिएक्शन करवा सकता हूँ. तो सी एल माइनस है वो सिग्मा स्टार सी ओ में अटैक करेगा और यहाँ से पी डबल बॉन्ड को पी एच पी एच पी एच एक साइड प्रोडक्ट होगा. दैट ये जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का.
दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, और फाइनली तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आर बिलो द प्लेन सीएल लग जाएगा. ठीक है, आर बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीएल लग जाएगा. ओके, गॉट इट. तो मतलब जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे एमओटी का एमओटी यूज करी. ठीक है, अगर तुमने रिएक्शन को डायरेक्टली रट लिया है तो तुम्हें यही नहीं पता होगा कि सीएल के ऊपर क्यों अटैक हुआ. अटैक तो कार्बन पे होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ना. सीएल के ऊपर क्यों अटैक हुआ है, अटैक तो कार्बन पे होना चाहिए. तो जब तक तुम्हें एमओटी का आइडिया नहीं है तब तक तुम ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे. हर एक रिएक्शन के पीछे ना कोई लॉजिक है, वो हमें देखने को ही मिलेगा. ओके, हर एक क्वेश्चन, हर एक रिएक्शन के ऊपर लॉजिक हमें देखने को ही मिलेगा. ठीक है, कोई भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात ये है, कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें. पहली बात ये बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ. जल्दी बताओ भाई फटाफट से, फटाफट बता दो जल्दी से. क्लियर, जल्दी कमेंट करो भाई. सबको क्लियर, चले आगे. ओके, अब अगर मैं तुम्हें इसी जगह पे आर यहां पे सीसीएल फोर पीपीएच थ्री या फिर CBr4 PPH3 क्या बने, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन केस ऑफ ए एंड बी. दोनों रिएक्शन में बताओ, ए और बी दोनों रिएक्शन में बताओ कि प्रोडक्ट क्या होगा. बेसिकली ए और बी, क्लियर, देवांश अगर तुझे क्लास ट्वेल्थ का पढ़ रहा है तो ट्वेल्थ वाला पढ़ ले, क्या ही दिक्कत है. पढ़ाई तो पढ़ाई है, काम तो वो भी आएगी. काम तो वो भी आएगी. अगर तुम्हें लग रहा है कि ट्वेल्थ का पढ़ रहे हो तो पढ़ने क्यों आ रहे हो फिर. ट्वेल्थ तो तुम कर चुके हो, है ना, पढ़ने क्यों आ रहे हो फिर. ट्वेल्थ तो तुम कर चुके हो. क्वेश्चन इज लाइक जस्ट बिफोर, बिल्कुल. ओके बच्चों, तो देखो सीसीएल फोर पीपीएच थ्री गिवन है, डेफिनेटली सी बात है सीएल माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा. तो यहाँ से आर बिलो द प्लेन सीएल, मतलब सिंपली यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी. और यहाँ पे भी R बिलो द प्लेन BR, दैट इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम नाम देते किसका, एप्पल रिएक्शन. ठीक है, एप्पल रिएक्शन का कहीं पे भी आप देख सकते हो. ठीक है, एप्पल रिएक्शन का. तो सिंपल आप दोनों रिएक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी. आई एम इन ट्वेल्थ मैम. ओके दिमांश, अगर आप ट्वेल्थ में हो तो उसके लिए डिफरेंट चैनल है बच्चे, CUT अकेडमी के नाम से, वेद प्रेप CUT अकेडमी. वहाँ पे आपके ट्वेल्थ लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं CUT UG के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, वेद प्रेप CUT अकेडमी, दिस इज फॉर नेट गेट एंड जैम. ठीक है, ओके. सो आई होप दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो चुकी है. और मुझे ऐसा, ये दोनों रिएक्शन मतलब जितना सफिशियंट कंटेंट था वो हमने इस वन आवर के लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं आपको. ठीक है, और क्वेश्चन जैसे बन सकते थे वो भी हमने करवाए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद में, विष्णोबू और एप्पल रिएक्शन दोनों पढ़ने के बाद में, अगर आपने कंसेप्ट को सही से सीखा है तो आप कोई भी रिएक्शन हो इन दोनों पे बेस्ड आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस वन शॉट सीरीज को.
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जिनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी कंसेप्ट उनमें इन्वॉल्व हैं वो हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आप लोगों के लिए है। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और साथ में जो भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर इस रिएक्शन में हमें डाउट है या फिर ये वाला सेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बताइए भाई, किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो डेली नेम रिएक्शन पर, ठीक है भाई। कल भी कोई भी आपकी बहुत मतलब अच्छी सी दो तीन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो तीन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कल के सेशन में भी दो तीन रिएक्शन अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिव्यांश, लाइव चैनल फॉर वेद प्रेप सीयूटी अकेडमी, बच्चे वेद प्रेप सीयूटी अकेडमी, ठीक है। दैट इज फॉर क्लास 12 होल, ओके, दैट इज फॉर क्लास 12, ओके दिव्यांश। हाँ हाँ प्रियांशु, बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, क्या पूछना है भाई आपको यूपीएससी के बारे में? देखो सिंपली, अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है या पिन करा गया है आपके पास में नंबर, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इवन अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शनल एज अ प्रिपेयर करना चाहते हो सीएससी के लिए, जो केमिस्ट्री के लिए, तो हमारे डिफरेंट बैचेज चलते हैं जो कम्प्लीटली आपके मेंस के बेसिस पे होते हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके आप दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।